थाना क्षेत्र में सोमवार को ड्रेनेज की लाइन में काम करते हुए एक मजदूर की गड्ढे में गिर जाने से मौत हो गई थी। मामले में अब कांग्रेस ने घटना में शामिल जिम्मेदारों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने और काम करने वाली कंपनी की जांच करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो मध्य प्रदेश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर का है। इंदौर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में कल ड्रेनेज लाइन को ठीक करने के दौरान एक हादसा हो गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी और दो घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर आज कांग्रेसियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए घटना के लिए महापौर, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद व काम करने वाली कंपनी को जिम्मेदार बताया। कांग्रेसियों ने पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए घटनास्थल के पास ही बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। जानकारी मिलते ही घटनास्थल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। प्रदर्शन के दौरान पूरे समय पुलिस बल घटनास्थल पर ही मौजूद रहा। निगम एडिशनल कमिश्नर सिद्धार्थ जैन भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने पूरे मामले में सूक्ष्मता से जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के प्रदर्शन में निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और अन्य पार्षद भी शामिल रहे। और नियमानुसार जिस पे कार्रवाई करनी है उस पे कार्रवाई हो, जो करी भी जाएगी। एक मजदूर की अनफॉर्चुनेटली मौत हुई है, बाकी दो स्टेबल कंडीशंस में अभी हॉस्पिटल में है। मेयर साहब ने तीनों की ही मदद करने की घोषणा कर दी है। 3 लाख रुपीस जो मृतक है उसकी फैमिली को और जो इंजर्ड है उनकी फैमिलीज को भी हॉस्पिटल में उपचार की मदद नगर निगम करेगा। और यहाँ का जो काम है इस काम को भी हम लोग बहुत स्पीड से कम्प्लीट कराएंगे ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना आए। कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया हुआ था तो जो कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशन से अगर फुलफिल नहीं हुई है तो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करने पर उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कांग्रेस का यहाँ पे आरोप है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो उपकरण लगाए जाना था, सुरक्षा को लेकर उपकरण लगाए जाना था, उसकी उपलब्धता नहीं है। जब भी हम किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी काम के लिए तो उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस में सब मेंशन होता है कि आपको ये किट पहननी है, ये सेफ्टी किट होनी चाहिए, ये सेफ्टी गियर्स होने चाहिए। अगर सेफ्टी केस नहीं थे यहाँ पर, वो जांच में आ जाएगा हमारा और उसको भी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस पॉइंट में उसको दर्ज कर लिया जाएगा। जैसे कि कल हमारे नेता पिंटू जोशी जी से मेरी बात हुई कि यार अपने शहर में और मेरी विधानसभा में इस प्रकार की घटना हुई, तो कल रात को ही हम लोगों ने तय करा कि ये राजनीति का विषय नहीं है। ये तो इंदौर शहर को जो कलंकित करने वाली घटना है उसके विरोध में खड़े होने का विषय है। ये विषय है मानवता का। एक मजदूर परिवार जिसका रह बसर करने वाला, गुजारा भत्ता करने वाला आदमी अगर कहीं से चले जाए तो उस परिवार का क्या होगा? इसी के लिए हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, पिंटू भाई, हमारे पार्षद जी, शिवम भैया, दीपू भैया, आयाज भाई, सादिक भाई, सभी लोग, कि इतना मजबूत नगर निगम, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग, और इतनी बड़ी घटना निश्चित रूप से सोचने योग्य है कि जहाँ हमारे पास सब आला अधिकारी है, टेक्निकल टीम है, जहाँ हम बड़े बड़े काम को बहुत कम समय में अंजाम देते हैं, वहाँ टॉप ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी अगर इस प्रकार का काम होता है तो इससे साबित होता है कि संबंधित अधिकारी को कहीं भी किसी प्रकार की कोई वो नहीं, चिंता फिक्र नहीं थी कि अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी, किसी की जान चली जाएगी तो क्या होगा। क्योंकि इसका भी कारण है, बीते समय में नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर तमाम शिकायतें हुई, तमाम अधिकारियों के ऊपर शिकायत हुई, लेकिन चूंकि उन पर कार्रवाई नहीं हुई इसी कारण अधिकारी मदमस्त चल रहे हैं। अगर उन अधिकारियों पर उस समय कार्रवाई हो जाती तो ये घटना आज घटती नहीं। हमारी मांग है कि संबंधित झेड़ो नागेंद्र भदौरिया, संबंधित अधीक्षण यंत्री सुनील गुप्ता, सबसे पहले तो इन दोनों पर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये दोनों जिम्मेदार है। ये शिकायत का समय निकल चुका है साहब, पिछले 2.5 महीने से ये सड़क खुदने और ठीक होने का नाम नहीं ले रही। कहने को कागजों पर 3 बार ठीक हो गई, यहाँ के व्यापारियों का धंधा खत्म हो गया, यहाँ के रहवासियों का निकलना मुश्किल हो गया, और कल जो घटना हुई वो घटना नहीं, पाप है और महापाप है। एक आदमी जो अपना घर बार छोड़कर मजदूरी करने इंदौर आता है, वो इंदौर में रहता है, बच्चे पालता है, मजदूर की क्या तनख्वाह होगी, क्या जीवन होगा बेचारे का। कल अधिकारियों की लापरवाही, ठेकेदार कंपनी की लापरवाही, महापौर की, विधायक की, पार्षद की लापरवाही कि सड़क धस गई। और कौन सी सड़क धसी जो 6 महीने पहले बनी है, 6 महीने पहले सीमेंटेड हुई है,
उनको यही नहीं मालूम कि पुराने इंदौर में ड्रेनेज की लाइनें खत्म हो चुकी है, लेकिन शहर को सुंदर बनाना है, शहर को सहूलियत वाला नहीं बनाना, शहर को सहज नहीं बनाना। तो कल एक मजदूर इसमें दब गया दुर्घटनावश और उस बेचारे की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। और जब वो सांस ले रहा था, जब वो लग रहा था कि बचाया जा सकता है, नगर निगम के बेवकूफ अधिकारियों ने पोकलैंड मशीन से उसको निकालना चाहा, उसमें उसकी गर्दन कटकर उसके शरीर से बाहर आ गई।